बातें बताने के लिए आप सभी अभिभावकों को हमने इस जीपीएस प्रांगण में इनविटेशन दिया, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पूरी शांति के साथ इस जो ये हमारी मुख्य बातें हैं इन पर ध्यान दें। हम विचार करने जा रहे हैं आज के समाज की इन समस्याओं पर। हम हर रोज देखते हैं कि जो ये मोबाइल और टीवी का दुष्प्रचार है, हर जगह समाज में माहौल ऐसा बन चुका है कि हमने हमारे इन बच्चों को इस बुराई से, इस अंधेरे में जाने से बचाना हमारे सामने एक बहुत बड़ी समस्या बनकर उभर रहा है। क्योंकि बच्चे सबसे पहले कहाँ से सीखते हैं? बच्चों का पहला गुरु उसका परिवार, उसके माँ बाप होते हैं। इसके बाद बच्चा विद्यालय में प्रवेश करता है। आज हम देख रहे हैं कि जो नशा है वो समाज में इतना फैल चुका है, काफी पेरेंट्स हैं जो शाम को हर रोज नशा करके घर आते हैं और वो अपने बच्चों से उम्मीद करते हैं कि हमारे बच्चे इस समाज में एक एग्जाम्पल बनकर पेश करें। अरे जरा ये तो सोचिए, आप उनके लिए आइडल हो, जब आप उनके सामने ऐसी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं तो बच्चों पर क्या असर पड़ेगा। हम हमारे गाँव की बात करते हैं कि जैसे स्कूल की छुट्टी का टाइम होता है 3 बजे के बाद जो हमारे युवाओं का माहौल है इतना बिगड़ चुका है, जैसे ही छुट्टी होती है हर जगह हर गली में दो दो चार चार जो आवारा बच्चे हैं गली में मिलते हैं। बड़ी शर्म आती है कि जो युवा अपने भविष्य के निर्माण के लिए परीक्षा की तैयारी में लगा होना चाहिए वो आज गलियों में धक्के खा रहा है। इसके लिए जिम्मेवार कौन है? तो मैं सबसे ज्यादा जिम्मेवार इसको पेरेंट्स को ही मानना चाहूंगा, क्योंकि कई हमारे सामने कई एग्जाम्पल है कि माँ बाप सबसे मुख्य दो चीजें हैं समाज में, अपने भवन का निर्माण और शादी का प्रोग्राम। पेरेंट्स आते हैं कि सर हमने इस बार मकान पर 20 लाख रुपए खर्च कर दिए, बच्चे के लिए पैसे नहीं है। पिछले महीने की बात है, हमने एक पेरेंट्स के पास फोन किया कि बच्चे को एक जीके की बुक दिलवानी है जिसका प्राइस केवल 30 रुपए है, तो 30 रुपए के लिए उस पेरेंट्स का जवाब बहुत ही निंदनीय था। क्या जवाब दिया कि सर अब की बार खर्चा ज्यादा है, अब की बार काम चला लो। मतलब 30 रुपए के लिए तो काम चला ले, और जो घर पर 20-25 लाख रुपए बर्बाद किए मैं तो बर्बाद ही मानूंगा उनको, क्योंकि आपकी असली पूंजी आपके बच्चे हैं और जब तक आपके बच्चों का भविष्य सेफ नहीं होगा आप उसके लिए कितने ही महल खड़े कर लो वो सब बेकार है। और हमारे पेरेंट्स का ग्रामीण क्षेत्र में हम देख रहे हैं सबसे ज्यादा ध्यान दिखावे के ऊपर है। बच्चे का जब जन्मदिन आता है बड़ी बड़ी पार्टियां दी जाती हैं, सभी रिश्तेदारों को इनवाइट किया जाता है, एक नाइट के 1 घंटे के प्रोग्राम के लिए 10-15 हजार रुपए खर्च करना एक मामूली सी बात है। लेकिन जब बच्चा अपने पेरेंट्स से, अपने अभिभावकों से शिक्षा के बारे में बात करता है तो वहां पेरेंट्स अपनी जेब की तरफ ध्यान देते हैं। तो आपकी असली पूंजी आपकी औलाद है, आपको उसके लिए धन इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका आपके संस्कार अच्छे होंगे, आपका पूत सपूत होगा तो अपने आप अपने भविष्य को बना लेगा, लेकिन अगर आपका पूत कपूत है, बुरी संगति में पड़ चुका, उसके पास अच्छे संस्कार नहीं है, आप उसके लिए करोड़ों अरबों कितने ही रुपए क्यों ना जमा कर लीजिए वो सब व्यर्थ है। मैं बार बार यही अनुरोध करता हूँ, इब आगे भी एडमिशन का टाइम है, एक छोटी सी घटना मैं नाम तो नहीं लेना चाहूंगा। पिछली बार हमारे पास एक पेरेंट्स आया SLC लेने के लिए, उसे जब वजह पूछी गई, उसका बच्चा 5th क्लास का टॉपर था, जब उसे बात की कि आप SLC क्यों चाहते हैं, जवाब बहुत ही शानदार था कि सर बात ऐसी है छोरा की माँ नाराज हो रही है। नाराज क्यों हुई? अग जी बराबर स्कूल वाले 4-5 बार आ लिए, आप एक बार भी नहीं आई, मतलब राजनीति बना दिया शिक्षा को, टीचरों को रिस्पेक्ट की बजाय रिक्वेस्ट करनी पड़ रही है। जो पेरेंट्स स्कूल को एक विद्या मंदिर का दर्जा देते थे, जब विद्यालय में एंट्री होती थी नमन करते थे, आज उनकी जो वाणी है थोड़ा उसमें समाज के माहौल को देखते हुए बदलाव है। तो मेरी हाथ जोड़कर यही गुजारिश है कि आप अपना सारा समय जो आप एक्स्ट्रा खर्च कर रहे हैं उसमें से जितना बचा सकते हो अपने बच्चों के लिए बचाइए। अब पिछले सप्ताह की मैं बात करना चाहूंगा, फंक्शन की तैयारी थी संडे को छुट्टी वाले दिन,
पूरा स्टाफ बच्चों के लिए विद्यालय में मौजूद था। तो एक पेरेंट्स आया, जब वैसे एंट्री के मैंने पूछा हाँ सर ठीक हो, ने बोला जी ठीक ठाक तो कुछ नहीं, वहाँ कई बार ने बोला ना मजा नहीं आ रहा। मैं क्यों नहीं आ रहा मजा? ने बोला जी के सिस्टम आप पाई बस नहीं आई एक बच्चा। मैंने भी ये सोचा कि शायद ये जो पेरेंट्स है पता नहीं कितना बड़ा इसके पास काम होगा, शायद इसका टाइम वेस्ट किया, तो मैंने उसको सॉरी बोला। और जब बाद में उसके बारे में पता किया वो इतना गर्म क्यों था, क्योंकि उसको घर जाकर ताश खेलने थे, वो अपने ताश को नहीं छोड़ सकता। दूसरा स्कूल का, जब स्कूल के टीचर छुट्टी वाले दिन भी बच्चों की मेहनत के लिए तैयार है और एक पेरेंट्स 10 मिनट का समय अपने बच्चे को नहीं दे सकता और बातें बड़ी बड़ी करता है कि मेरा बेटा एक HCS बनना चाहिए। अरे HCS तो बनेगा, लेकिन जब आप उसका साथ दोगे। तो सबसे पहले स्कूल भी तब तक कुछ नहीं कर सकता जब तक एक पेरेंट्स टीचरों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर नहीं चलेंगे। तो आज समाज में जो माँ बाप है अपने बच्चों की शिक्षा के लिए चलो पैसे भी खर्च करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन समय नहीं है। अगर एक दिन भी किसी एग्जाम के लिए पेरेंट्स की जिम्मेवारी लगा दी जाए तो ये कहेंगे जी पीछे थोड़े एक्स्ट्रा ले लियो, किसी और ना भेज दो। अरे हम किसके लिए कमा रहे हैं, हम दिन रात मेहनत क्यों कर रहे हैं, क्या चाहिए हमें? सिर्फ अपनी औलाद का भविष्य, और वो भविष्य पैसों से नहीं बनेगा, आपका टाइम चाहिए उसको। तो जो हमारा इस माहौल है, इस माहौल से हमने बच्चों को बताने के लिए पिछली बार एक सुपर 40 नाम से एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया था, और जैसे ही हमने इस प्रोग्राम की शुरुआत की तो काफ़ी निंदा का सामना करना पड़ा, क्योंकि पेरेंट्स ने इसके बारे में कुछ नहीं सोचा, इसकी बैकग्राउंड क्या है, बेनिफिट क्या है, सिर्फ ताने कि ये तो एक डबल पैसे लेने का एक अच्छा सिस्टम है। लेकिन एक बात कही है कि आप मेहनत करते चलिए, आपको जीत अवश्य मिलेगी, और जो जमाना आपको आज आपकी आज निंदा कर रहा है एक दिन वो प्रशंसा भी करेगा, क्योंकि जो दुनिया है उसकी एक रीत है, व्यक्ति जिसके पास पावर है उसको सब सलाम करते हैं, लेकिन एक पावरफुल व्यक्ति बनने के लिए एक अच्छे संघर्ष की जरूरत होती है। तो इस संघर्ष की दिशा में कदम रखते हुए हमने 40 बच्चों से एक छोटे से प्रोग्राम की शुरुआत की थी सुपर 40, क्योंकि जो हमारा 2 बजे तक का टाइम होता है हमारे पास 6 विषय हैं, उनका काम बड़ी मुश्किल से पूरा होता है, और इस कंपटीशन के युग में जो बच्चों को एक्स्ट्रा तैयारी की जरूरत होती है रीजनिंग की के, वो समय हम नहीं दे पाते, और बाद में हम सोचते हैं प्लस टू के बाद हमें कोचिंग सेंटरों का सहारा लेना पड़ता है, लेकिन जिस बच्चे की नींद कमजोर है कोचिंग सेंटर उसका कुछ नहीं कर सकते। तो इन बच्चों को स्पेशल देने के लिए इस बार हमने कड़ी मेहनत की, और जिस उद्देश्य को लेकर हमने हमारा ये प्रोग्राम शुरू किया था, जो हमने एक छोटा सा पौधा लगाया था उस पौधे ने आज फल देने शुरू कर दिए, क्योंकि जो एक ओलंपियाड नाम की इंटरनेशनल लेवल की संस्था है, शायद ग्रामीण लेवल में तो बच्चों को अभिभावकों को टीचरों को भी इस संस्था का पता नहीं है, लेकिन हमारे बच्चों ने इस बार IMO और ISO और IEO 3 एग्जाम दिए। जो IMO इंटरनेशनल मैथमेटिक्स का एग्जाम था उसमें हमारे बच्चों ने फर्स्ट स्टेप को क्लियर करके, जो आपके सामने इस समय पर आज है निखिल मुस्कान, अब 10 फरवरी को करनाल के अंदर स्टेट लेवल का इनका जो सेकंड एग्जाम है वो होने जा रहा है, और मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि हमारे बच्चों को सफलता अवश्य मिलेगी। और इसके साथ साथ हमने टैलेंट टेस्ट का एग्जाम भी बच्चों से फेस करवाया, उसके जो परिणाम आए वो बहुत ही चौंकाने वाले थे, जो बच्चों का रैंक था वो बहुत ही काबिले तारीफ था। तो अब इसके जो रुझान थे, हमें शुरू में 6 महीने तक भी इसका जो पेरेंट्स की तरफ से रिस्पॉन्स मिलना था वो अच्छा नहीं मिला, लेकिन जो पेरेंट्स जागरूक हैं, जो शिक्षा की वैल्यू को समझते हैं, वो आज खुद हमारा धन्यवाद करते हैं। तो इस सफलता से खुश होकर